वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टॉप ड्राइव। टॉप ड्राइव का आज का एपिसोड स्पेशल है एसयूवीज के बारे में और हम हैं जैसलमेर में ग्रेट एस्केप के साथ। यहाँ महिंद्रा की 4x4 व्हीकल्स हैं। आप सैन न्यूज पे मेरे पीछे देखें कि यहाँ स्कॉर्पियो फंसी हुई है, उसे निकाला जा रहा है और ये बेहद मुश्किल जगह है ये चलाने के लिए। हमारे पास थार है जो यहाँ तक पहुँची है, हम आगे भी इसको लेकर जाएंगे। अभी हम बीच रास्ते में हैं और इधर भी दूर तक रेत के टीले हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और कुछ निकाली जा रही हैं। खैर, इस बारे में तो हम बात करेंगे ही, अब हम बात करते हैं प्रीमियर की एसयूवी रियो की। रियो 5 लाख की एसयूवी है जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, मगर इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। मार्केट में इसे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। प्रीमियर ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, ये तब्दीलियाँ क्या हैं, कितनी अच्छी है, कैसी है प्रीमियर की रियो, आइए हम देखें। आपको प्रीमियर पद्मिनी कार तो याद होगी, अरे वही गाड़ी जिसे हम फिएट के नाम से पुकारते थे। अब याद आया ना, बस उसी कंपनी की ये कार है रियो। कई सालों की खामोशी के बाद प्रीमियर लिमिटेड ने अपनी छोटी एसयूवी रियो के साथ री एंट्री की है। ये एसयूवी उन लोगों को टारगेट करके बनाई गई है जो एसयूवी लेना तो चाहते हैं लेकिन बजट उनके आड़े आ जाता है। रियो मिड साइज कार और बड़ी एसयूवी के बीच के गैप को भरती है, इसलिए आप इसे कार कम एसयूवी भी कह सकते हैं। प्रीमियर ने इसे साल 2010 में लॉन्च किया था लेकिन लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया था, लेकिन कंपनी ने अब एक बार फिर इसे रिफ्रेश किया है, जिसकी पहली झलक हमें दिल्ली ऑटो एक्सपो में मिली। तब से मेरी इच्छा थी इसे चलाने की, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों कोई इसकी बात नहीं करता, आखिर क्यों एसयूवी की लिस्ट में इसका नाम गायब है। कार मिली और फिर इससे जान पहचान बढ़ी। रियो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी लंबाई 3970 मिलीमीटर है और चौड़ाई 1570 मिलीमीटर। कार में बैठने के बाद लगता नहीं है कि आप किसी 5 लाख की कार में बैठे हैं। इसका इंटीरियर काफी साधारण है और कार में खालीपन महसूस होता है। रियो के 3 मॉडल हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन हैं। रियो के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का इंजन है और 76 PS की ताकत देता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन कार को 65 PS की ताकत देता है, लेकिन डीजल वेरिएंट का टॉर्क पेट्रोल वेरिएंट से काफी बेहतर है। हम जो कार ड्राइव कर रहे हैं ये पेट्रोल वेरिएंट है। कार का ग्राउंड क्लियरेंस काफी बेहतर है, कार रोल ऑन भी नहीं हुई, लेकिन कार की ताकत और परफॉर्मेंस को लेकर मुझे एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। दूसरे और तीसरे गियर में पावर की कमी महसूस हुई, जबकि हम पेट्रोल वेरिएंट चला रहे थे। अच्छी चीज ये थी कि कार में 5 से 6 फीट वाले इंसान के लिए लेग रूम बेहतर है और कार का टर्निंग रेडियस भी लाजवाब है। रियो हाईवे पर 1 लीटर में 15 से 16 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके सभी वेरिएंट्स में सेंट्रल लॉकिंग, पावर स्टीयरिंग और ट्यूबलेस टायर्स जैसे फीचर्स हैं। रियो में 4 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी डिक्की में सामान के लिए काफी जगह दी गई है और सेफ्टी पैरामीटर्स पर रियो में ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर भी है। कंपनी ने अभी तक देश में 30 डीलर ही बनाए हैं और जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाकर 100 करने की योजना है। इस छोटे एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 5,25,000 से 5,95,000 रुपए, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत है 6,24,000 से 6,90,000 के करीब। वैसे छोटे परिवार के लिए भी 5 से 6 लाख में रियो का सौदा बुरा नहीं है, लेकिन तभी अगर ब्रांड आपके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि 6 लाख खर्च करते वक्त हम अक्सर ब्रांड के साथ चलना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि रियो के बारे में कोई बात नहीं करता। टॉप ड्राइव के लिए कैमरामैन विकास यादव के साथ सुनील अरोड़ा, IVN7।